तो आइए फिर से एक वीडियो लेके आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है सभी आंगनबाड़ी सेविका के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, मान लीजिए किसी भी कारणवश आप लोग ने जो है आंगनबाड़ी में जो है प्रेग्नेंट वुमेन को जो है आपने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। अगर आप लोग ने रजिस्ट्रेशन कर दिए, किसी कारणवश आप लोग ने भूल गए, यानी कि 9 महीना से ऊपर हो गया, तो वहां पे अगर आप लोग को डिलेट हो जाती है, यानी कि मान लीजिए 9 महीना में जो है अगर आप लोग ट्रांसफर यानी कि माइग्रेट नहीं करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि आप लोग को हो सकता है इस तरह का प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पोषण ट्रैकर खोलते हैं। जैसे ही खुलेंगे तो इस तरह से जो है पेज खुलेगी। खुलने के बाद देखिए कि अभी अगर आप लोग ने रजिस्ट्रेशन करके रखे होंगे और अगर हट गई होगी तो इसके लिए आप लोग को क्या करनी होगी। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए जैसे कि इस तरह से जो है पोषण ट्रैकर खोलेंगे और सबसे पहले हम लोग जो है प्रेग्नेंट वुमेन में यानी कि जो है प्रेग्नेंट वुमेन में जो है 18.2 में जो है हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। आप लोग का अगर हट गई होगी लाभार्थी यानी कि 9 मंथ से ऊपर हो गई होगी तो आप लोग को सबसे पहले क्या करनी होगी कि यहाँ से जो है पोषण ट्रैकर में जो है गर्भवती महिला को जो है रजिस्ट्रेशन करनी होगी। आप लोग जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आप लोग जो है अभी भी ट्रांसफर आप लोग कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के लिए कुछ नहीं है, आप लोग प्रेग्नेंट वुमेन में से लैक्टेटिंग मदर से जो है 0 से 6 माह तक के बच्चे का डिटेल्स डालिएगा, आप लोग को ऑटोमेटिक जो है ट्रांसफर हो जाएगी यानी कि जो है माइग्रेट हो जाएगी। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है पेज खुलेगी। खुलने के बाद यहाँ पे देखिए कि आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया, आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है जो भी डिटेल्स है आप लोग डालेंगे और लास्ट में जो है यहाँ पे सबमिट मारेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो डाल देते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले लाभार्थी का जो है डिटेल्स हम लोग डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं और उसके बाद आगे फिर से बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग डाल दिया, उसका हस्बैंड का नेम है तो यहाँ पे हम लोग हस्बैंड नेम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आधार नंबर, ये आधार नंबर किन का डालना है, प्रेग्नेंट वुमेन का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आधार नंबर जो है डाल देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ है, ये प्रेग्नेंट वुमेन का जो है डेट ऑफ बर्थ हम लोग यहाँ पे जो है डाल लेते हैं। आप लोग को जो है जो भी आधार में डिटेल्स होगा सेम टू सेम आप लोग को डालनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या डालनी है, यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर, तो आइए इनका मोबाइल नंबर भी हम लोग दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद कैटेगरी चूज करना है, कौन सी जाति से आती है, कौन सा कैटेगरी है, यहाँ पर आप लोग को चूज करनी है और आगे फिर से बढ़नी है। बढ़ने के बाद यहाँ पे जो है आप लोग को इस तरह से जो है रिलीजियस माइनॉरिटी में जो है नो ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है फर्स्ट प्रेग्नेंट है तो आप लोग को जो है यहाँ पे यस या नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद या इससे पहले गर्भपात हुआ था तो यहाँ पे यस या नो आप लोग को करना है। उसके बाद जो है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब रुकी थी तो आप लोग जो है अभी से 9 मंथ यानी कि जो है पीछे डालिए, ठीक है। जैसे कि अभी 2रा महीना है, आज से 9 मंथ अगर पीछे डालते हैं तो आप लोग, तो यहाँ पे हम लोग जो है 9 मंथ पीछे डालते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 9 मंथ पीछे डालें, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो ये देखिएगा कि अभी आप लोग को जो है ये सक्सेसफुल ले लेगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी आप लोग को यहाँ पे हमने 9 मंथ पीछे नहीं डाले हैं लेकिन यहाँ पर अब आप लोग को जो है हो जानी चाहिए। जैसे ही हम लोग सबमिट मारेंगे तो देखिए कि नहीं ले रहा है, हम लोग 9 मंथ पीछे ही डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने डाला, उसके बाद सबमिट मारते हैं। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो देखिएगा कि अभी आप लोग को जो है सक्सेसफुल ले ली, आप लोग को आसानी से जो है यहाँ पे सक्सेसफुल ले लेगी। यहाँ से जो है गो टू होम पे आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग जैसे ही गो टू होम पे जाएंगे उसके बाद आप लोग को फिर से जो है बेनिफिशियरी में क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से खुलेगी। खुलने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो है प्रेग्नेंट वुमेन में जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी साथ ही दिखा रही है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे, अगर नहीं दिखेगा तो आप लोग को सबसे पहले क्या करनी होगी, यहाँ से रिफ्रेश मारेंगे। जैसे रिफ्रेश मारेंगे तो आसानी से जो है जो भी लाभार्थी अगर नहीं आया हुआ है तो वो आप लोग को शो कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग आते हैं और लास्ट में ही आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है सविता कुमारी के नाम से हमने जो है रजिस्ट्रेशन किया है, इस तरह से जो है शो कर रही है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनको जो है आधार वेरीफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। आधार वेरीफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी और यहाँ से आप लोग को आधार वेरीफिकेशन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से जो भी आप लोग को डिटेल्स है वो सही सही होना चाहिए आधार से, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से वेरीफाई मारेंगे तो आसानी से जो है ये आप लोग को जो है सक्सेसफुल ले लेगी। जैसे कि देखिए अभी आप लोग को सक्सेसफुल ले ली, आप लोग को 18.2 में जो है कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से जो है आप लोग देख रहे हैं कि आधार वेरिफिकेशन हमने कर दिया और यहाँ से हम लोग बैक हो जाते हैं। जैसे ही बैक होंगे तो आप लोग को जो है इस तरह से बैक होंगे और एक बार पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कि अभी आप लोग को जो है सविता कुमारी के नाम से जो है आसानी से जो आधार वेरिफिकेशन हो गई। तो इस तरह से आप लोग आसानी से जो है आधार वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं।
लेकिन आप लोग को क्या करनी है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि क्योंकि आप लोग को जो है अगर आप लोग ने रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो ये किसी कारणवश यानी कि मान लीजिए कि 9 मंथ से ऊपर हो जाती है, 10 मंथ हो जाती है तो आप लोग को आसानी से जो है ये रिमूव हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी 9 मंथ है, इसको हम लोग जो माइग्रेट नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है हट जाएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है, करने के बाद हम लोग को अब ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, जैसे कि ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे जो है 3 डॉट है, 3 डॉट पे आते हैं और आने के बाद यहाँ पे जो है देखिए कि यहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ पे देखिए कि माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, यानी कि यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो है डिलीवरी डेट है, आप लोग को वही डिलीवरी डेट डालनी है जिस दिन जो है बच्चा जन्म ली है, तो आप लोग को यहाँ पे जो है डाल लेनी है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से माइग्रेट करेंगे। जैसे ही माइग्रेट करेंगे तो आप लोग को ये माइग्रेट करने के लिए इस तरह से नोटिफिकेशन आएगी, आप लोग को ओके कर लेनी है। जैसे ओके करेंगे तो कुछ समय हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि सक्सेसफुल ले ली और कुछ समय वेट करेंगे, अब आप लोग को यहाँ पर जो है 0 से 6 माह तक के बच्चा का डिटेल्स आप लोग को डालनी होगी। ठीक है, माइग्रेट करने के बाद 0 से 6 मंथ वाले बच्चे का जो है डिटेल्स डालनी होगी। आप लोग जैसे ही डाल लेंगे तो आप लोग को लैक्टेटिंग मदर में और 0 से 6 माह तक के बच्चे में जो है आप लोग को आ जाएगी। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, ये 0 से 6 माह का बच्चे का जो है डिटेल्स डालनी है क्योंकि आप लोग का जो है यहाँ पर बच्चा का नाम लिखना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लिए। लिखने के बाद यहाँ पे जो है आप लोग को दिख रहा होगा कि बच्चा का भी आधार कार्ड नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आप लोग जो है यस कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह से यस कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग इनका मदर का जो है आधार नंबर डाल सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है इनका मदर का आधार नंबर डाल देते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इनका मदर का ही जो है डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इनका मदर का ही डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। इस तरह से डालने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है जेंडर पूछा जा रहा है, वो भी किसका, तो बच्चे का यानी कि चिल्ड्रेन का। तो यहाँ पे जो है हम लोग फीमेल डाल देते हैं क्योंकि मानवी कुमारी है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है नेम ऑफ फादर या किन्हीं का गार्जियन का हो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनका फादर का ही हम लोग नाम डाल देते हैं जो नाम है। डालने के बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो है इनका जो है गार्जियन का मोबाइल नंबर हो वो आप लोग डाल लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और उसके बाद कैटेगरी पूछा जा रहा है, आप लोग को यहाँ पे जो है कैटेगरी पे क्लिक करेंगे जो भी कैटेगरी से आती है, तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटी है, आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। और यहाँ पे जो है बच्चा का जो है कितना केजी वज़न है जन्म का समय का, इस तरह से जो है आप लोग को डालनी है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं और यहाँ पे जो है सेंटीमीटर कितना है, तो यहाँ पे आप लोग डाल लीजिए। और लास्ट में आप लोग क्या कीजिए कि सबमिट मार दीजिए, आसानी से जो है ये सबमिट ले लेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि आप लोग को ये सक्सेसफुल हो गई। अब यहाँ से आप लोग आसानी से बैक हो जाइए। बैक होने के बाद अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अभी आप लोग देखेंगे तो बेनिफिशियरी में जाएंगे तो यहाँ पे जो है प्रेग्नेंट वुमेन हम लोग जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग को जो है सविता कुमारी के नाम से जो है सबसे नीचे था वो हट गई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं एक बार। ठीक है, रिफ्रेश इसको बोला जाता है, आप लोग यहाँ से भी रिफ्रेश करिए। यहाँ पर आप लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप लोग रिफ्रेश करेंगे, बैक होंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग सबसे पहले लैक्टेटिंग मदर में आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से पेज खुलेगी और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सविता कुमारी के नाम से जो है लैक्टेटिंग मदर में भी आ गई। और यहाँ से बैक होते हैं, उसके बाद यहाँ पे 0 से 6 माह तक के बच्चे में जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक जैसे ही करते हैं तो वो बच्चा का भी नाम आप लोग को यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में आप लोग को जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे, बच्चे का जो है यहाँ से आधार वेरिफिकेशन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी। खुलने के बाद आप लोग को क्या करना होगा कि आधार वेरिफिकेशन है, आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनका माता का जो है आधार नंबर हमने डाला था, उनका नाम भी डाले थे और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर जो है आसानी से आप लोग आधार वेरिफिकेशन करेंगे तो आप लोग को आसानी से 2 मिनट में जो है आधार वेरिफिकेशन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे और ये देखिए कि आप लोग का जो है आधार वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो गई। कुछ नहीं है, आप लोग आसानी जो है अभी 18.2 में जो है कोई भी काम करना चाहेंगे आसानी से जो है फटाफट होगी। ठीक है, यहां से आप लोग बैक होंगे और यहां से आप लोग देखेंगे, यहां से फिर से हम लोग बैक होंगे। बैक होने के बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आसानी से जो है आधार वेरिफिकेशन वेरीफाई हो गई। तो इस तरह से जो है अगर आप लोग का जो है किसी भी प्रकार का अगर लाभार्थी का आपने रजिस्ट्रेशन किया, प्रेग्नेंट वोमेन का अगर इनका रजिस्ट्रेशन आप लोग ने किया और 9 मंथ से ऊपर हो गया, यहाँ से हट गई, तो आप लोग आसानी से जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करके यानी कि प्रेग्नेंट वोमेन में जो है न्यू रजिस्ट्रेशन
करके उसके बाद आप लोग जो है माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट करने के बाद यहाँ पे लैक्टेटिंग मदर में भी आ जाएगा और उसके बाद 0 से 6 माह तक के बच्चे में भी आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप लोग आसानी से जो है कर लीजिए। बाद बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।